दोस्तों मेरा नाम अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों लेटेस्टली लॉन्च हुए तीन मोबाइल हमारे पास में रियलमी GT 60, रियलमी GT 6 और पोको F6 5G डिवाइस। तीनों ही तगड़े फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस है और यहाँ दोस्तों पबजी 3.3 अपडेट के बाद में ग्राफिक चेंजेस इन तीनों ही डिवाइस में हुए। क्या ग्राफिक सेटिंग इन तीनों ही डिवाइस में मिलती है, गेम प्ले के साथ में हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए। दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपडेट के पहले की बात करें तो यहाँ पे GT 6 में आपको 90 FPS मिलता था, GT 60 और पोको F6 में 60 FPS तक की गेम प्ले मिलता था। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं GT 60 डिवाइस की और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो वर्जन है हमने पबजी का इंस्टॉल कर लिया, लेटेस्ट वर्जन 3.3.0 वाला। और इस अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप गेमिंग सेक्शन में जाओगे ग्राफिक सेक्शन में तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा GT 60 डिवाइस में और ये 90 FPS की गेमिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बट दोस्तों जब हमने यहाँ पे गेमिंग करी थी तो पहले तो यहाँ पे अच्छे खासे 90 FPS 92 FPS के आसपास मिल गए थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप होने लगा और स्टेबल अपडेट में या स्टेबल गेमिंग बोल सकते हैं उसमें यहाँ पे आपको 60 FPS के आसपास 62 FPS के आसपास फ्रेम देखने को मिल रहा है। यानी कि अपडेट तो आ चुका है पबजी की तरफ से, रियलमी की तरफ से में भी यहाँ पे आने का बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम रेट आपको इस अपडेट के बाद भी जो है FPS ये 62 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ओ में भी इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, मे बी लेटेस्ट अपडेट भी हमने किया लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हाल मिला। अब बात करते हैं पोको F6 की। यहाँ दोस्तों इस डिवाइस में भी हमने पबजी का लेटेस्ट अपडेट कर लिया, BGMI का लेटेस्ट अपडेट 3.3 वाला। और यहाँ पे दोस्तों आप ग्राफिक सेटिंग में देखोगे तो पहले एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है, बाकी सारे ऑप्शन आपको सेम ही मिलते हैं। बस 90 FPS की यहाँ पे गेमिंग आप कर सकते हो और हमने FPS मीटर भी लगा रखा है जो कि सिस्टम से ही आप MIUI में ला सकते हो, HyperOS में ला सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप पबजी गेमिंग जब करोगे BGMI गेमिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो FPS है अब आपको 90 FPS के आसपास 89-90 FPS के आसपास देखने को मिला है, मतलब 60 से आगे चले गया है और कंटिन्यूसली यहाँ पे 60 के आगे ही रहता है और यहाँ पे जायरो वगैरह भी जो है काफी बढ़िया वर्क कर रहा है। तो 90 FPS 89 FPS के आसपास यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हो और अच्छी बात यह है कि 3.3 अपडेट के बाद में यहाँ पे 90 FPS आ चुका है। वैसे 120 FPS भी आने का बोला था बट 120 FPS कब आएगा पता नहीं। बढ़िया बात यह है कि पोको F6 में 90 FPS आ चुका है, 92 FPS के आसपास की यहाँ पे गेमिंग आप कर सकते हो, बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेमिंग हो जाती है। सो फाइनली बात करते हैं रियलमी GT 6 के डिवाइस के बारे में और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पबजी का लेटेस्ट अपडेट हमने कर चुका है और यहाँ पे अगर आप ग्राफिक सेटिंग में जाओगे तो एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि 90 FPS की गेमिंग। और ये पहले भी मिलता था आउट ऑफ द बॉक्स लेकिन रियलमी ने बोला था कि भाई 120 FPS यहाँ पे आएगा, इस अपडेट के बाद यहाँ पे 120 FPS नहीं आया है बट 90 FPS, हाँ 90 FPS में आप काफी बढ़िया गेमिंग कर सकते हो, जायरो वगैरह भी काफी बढ़िया वर्क कर रहा है। GT 60 में जैसे फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे वैसे यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको 90 FPS मिलता है और यहाँ पे 120 FPS में भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे रियलमी GT 60 में आपको 90 FPS आ गया है बट थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। पोको F6 में 90 FPS आ गया है और रियलमी GT 6 में भी 90 FPS आ गया और तीनों डिवाइस में काफी बढ़िया तगड़े तरीके की गेमिंग कर सकते हैं। तीनों डिवाइस का डीप व्यू वीडियो, गेमिंग टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट सभी कुछ चैनल पे अवेलेबल है और यहाँ पे हमने स्पीड टेस्ट भी किया हुआ है, चेकआउट आप चैनल पे कर सकते हो। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है सिंपली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों स्टूडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब तक के लिए बोलते रहिए, वंदे मातरम।